वेलकम टू स्टेलर प्रॉपर्टीज़। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं 1 BHK फ्लैट का वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। स्टेशन से प्रोजेक्ट का अपने डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे बेसिक नीड्स वाली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये रही अपनी बिल्डिंग, देख सकते हो 12 फ्लोर की बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग, और देख सकते हो काम ऑलरेडी यहाँ पे 80-90% काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ये अपनी फर्स्ट बिल्डिंग का एंट्रेंस है। सेकंड बिल्डिंग का एंट्रेंस राइट हैंड साइड से है मेरे। ये पूरा आपका गार्डन और चिल्ड्रन प्ले एरिया जोन है। स्टेशन आपको 7-8 मंथ्स में देखने के लिए मिल जाएगा। रेरा सर्टिफाइड अपनी ये बिल्डिंग है। ऑल नेशनलाइज्ड बैंक से आपका इसमें लोन हो जाएगा और काफ़ी अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ के साथ आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो आज मैं इसमें 1 BHK फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं फिलहाल अपने एंट्रेंस लॉबी की तरफ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको 1 BHK अपना फ्लैट। और ये रही अपनी एंट्रेंस लॉबी, देख लीजिए काफ़ी लैविश एंट्रेंस लॉबी है। हाइट देख लीजिए आप, 20 फीट का इसका हाइट है। तो कोई भी आपके घर में मेहमान आएंगे, कोई भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आएंगे, तो पहले जाएंगे सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी उनको पूछेंगे कहाँ जाना है, यहाँ पे बिठाएंगे। सोफ़ा सेटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे डेवलपर ने दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे अपना फाउंटेन है शोपीस के लिए, जिसमें पानी बहेगा। बातचीत करेंगे तो ही उनको ऊपर छोड़ेंगे। तो देख सकते हो ये एंट्रेंस लॉबी, देख सकते हो ये लॉबी, देख सकते हो एज इट इज़ आपको बिल्डिंग में ऐसे ही मिलने वाला है। हर एक फ्लोर पे अपना ऐसा ही लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंट्रेंस लॉबी से ही आप पता कर सकते हो डेवलपर कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट आपको बना के दे रहे हैं। तो चलते हैं सीधा अपने 1 BHK फ्लैट की तरफ। तो हम आ गए अभी फर्स्ट फ्लोर पे। प्रोजेक्ट देख सकते हो अपना कुछ ऐसे दिखेगा जब रेडी हो जाएगा पूरा। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको स्प्लेंडर के लिफ्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। एक फ्लोर पे दो दो लिफ्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सैम्पल फ्लैट यहाँ पे हमने रेडी करके रखा है। ये रहा अपना 1 BHK का सैम्पल फ्लैट। 693 इसमें बिल्टअप एरिया आपको मिल जाता है। एंड 450 से स्टार्टिंग अपना कारपेट है। 450 से स्टार्टिंग आपका कारपेट हो जाएगा 1 BHK में। यहाँ पे आपका डाइनिंग का सेटअप आ जाएगा पूरा। लिविंग रूम देख लीजिए। लिविंग रूम में यहाँ पे आपको मिलेगी 5 फुट की बालकनी। ये अपना फर्स्ट फ्लोर का टेरेस वाला फ्लैट है, बट ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। देख सकते हो इतना बड़ा टेरेस था, जिन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन में ये ऑलरेडी बुक हो चुका है जब ये बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था। तो इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला होगा इस टेरेस के वजह से। लिविंग रूम देख लीजिए, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है। ये तो खैर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, आपको पूरे ओपन व्यूज देखने हैं तो आपको हाई राइज पे यहाँ पे फ्लैट लेना होगा 1 BHK का। लिविंग रूम के बाद है अपना किचन। किचन में आपको फुल टाइल्स के साथ 2 प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर के लिए प्रॉपर स्पेस है। देन किचन में भी आपको एक 4 फुट की बालकनी मिलती है, जहाँ पे आप आराम से वॉशिंग मशीन रख सकते हो। ये स्पेस देख लीजिए, ये पूरा आपका गार्डन यहाँ पे बनने वाला है सामने, तो ये व्यू भी काफ़ी अच्छा होगा। किचन के सामने ही अपना कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जो कि फिलहाल लॉक है। तो मैं आपको मास्टर बेडरूम का दिखा देता हूँ। सेम एज इट इज़ अपना कॉमन भी है टॉयलेट बाथरूम। ऊपर अपना वाटर टैंक के लिए स्टोरेज दिया हुआ है यहाँ पे। ये अपना मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एंट्री में ही आपको मिल जाता है टॉयलेट बाथरूम और वॉश बेसिन। सारे ब्रांडेड फिटिंग्स आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगे। कॉमन वॉशरूम भी अपना सेम ऐसे ही साइज का है। और ये रहा अपना बेडरूम। बेडरूम में आपको गैलरी नहीं मिलती, बट काफ़ी स्पेशियस है बेडरूम। वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको ये मिलता है बेडरूम। और सामने अपना पूरा ओपन व्यू। यही सेम फ्लैट अगर आप 9th-10th फ्लोर पे लेते हो, दूर दूर तक आपको ग्रीनरी का ओपन व्यूज देखने के लिए मिल जाएगा। सामने ही रिसॉर्ट है, सामने दिख रहा होगा ये रिसॉर्ट है। तो रिसॉर्ट का भी व्यू बहुत ही अच्छा आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था अपना 1 BHK फ्लैट। प्राइसिंग जो है इसका वो है 28 लाख ऑल इंक्लूसिव। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब कुछ पकड़ के, हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो कांटेक्ट कीजिए, इसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा 28 में। कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर आ रहा होगा। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।